अच्छा बच्चों, सब लोग अपना अपना माइक ऑन करो, एक दूसरे को जय मसीह की बोलो, हाय बोलो। सब आपके फ्रेंड्स है ना, तो सब एक दूसरे से बात करो। नहीं नहीं, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, अपने आप अपने आप अपने अपने फ्रेंड से बात करो। आपके बगल में जो भी कोई है उनसे, हाँ उनसे बात करो। टीना एक टीना जगह योर से वॉइस इज लो। नाउ इज इट फाइन? हाँ हाँ यस यस नाउ इट्स फाइन। ओके ओके ओके। अच्छा बच्चों, अच्छा अच्छा तो बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। करुणा तेजस्वी, आप प्लीज शोर नहीं मचाना, अच्छे से बैठ जाओ। अच्छा आप यहीं पे बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ आराधना दीदी के पास बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, हाँ तो बच्चों हमने पिछली बार कौन सी स्टोरी सुनी थी, कौन सी दीदी ने बताई थी कहानी? अरे अभी आई तो थी दीदी, कौन थी ये दीदी? कौन थी सृष्टि? सृष्टि सृष्टि कुछ बोल रही है। हाँ कौन सी दीदी थी वो? निशा दीदी। अरे वाह निशा दीदी। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, तो हम पिछली बार की जो कहानी है हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जोसेफ की कहानी, यूसुफ की कहानी पढ़ेंगे, उसके बारे में सुनेंगे। ओके, और कोई मुझे क्या ये पढ़ के बता सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूसुफ के भाइयों की कठिनाइयां। हाँ ऐसा लगता है कि कोई कोई इनके भाइयों को बहुत सता रहा है, और यहाँ पे आपको एक चेहरा दिख रहा है। ये चेहरा कैसा लग रहा है? खुश लग रहा है, गुस्सा गुस्सा हो रहा है? यहाँ पे कोई इंसान कैसा लग रहा है आपको? ये आंसर मुझे बताएंगी आराधना। हाँ बताओ आराधना, ये चेहरा देखो आप, ये चेहरा कैसा है? ये इंसान खुश है या बहुत दुखी है? क्या हो रहा है इसके साथ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा स्पर्श बताना चाहता है। हाँ स्पर्श आप भी बोल। हाँ हाँ चेहरे में दीदी, इस चेहरे में पता चलता है कि वो बहुत गुस्सा, क्या परेशान है। अच्छा बहुत गुस्से में है। ओके हाँ। अच्छा बच्चों, तो आप हम इसकी स्टोरी सुनने वाले हैं, तो चलते हैं आप बच्चों हम आगे इस लेसन में। और मेमोरी वर्स हम सब ने बता दिया है। अच्छा बच्चों, कहानी में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? हेड नॉट कर दो। हाँ दीदी। ओके थैंक यू। अच्छा बच्चों, सब अपने अपने आंखों को बंद करो, हैंड्स को फोल्ड करो, नील डाउन करो अगर आप कर सकते हो तो। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, और प्रभु जी ये छोटे छोटे बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। आप, मैं लेसन डिलीवर करने वाली हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिएगा। प्रभु आप जानते हो कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, पर प्रभु आपके दिए हुए वचन को आपके सहारे से मैं इन बच्चों को डिलीवर कर सकूँ, आप इसमें मेरी हेल्प कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। ओके बच्चों, तो आज की स्टोरी में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और बच्चों हम सब लोग फ्रेंड्स है ना, अगर आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करो तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना? तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप आंसर नहीं देते। तो प्लीज मैं चाहती हूँ आप कैसे भी, इसमें सही गलत कोई आंसर नहीं होता है, सब कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग बच्चों बोलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सब लोग कितना गुस्सा गुस्सा हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं यहाँ पे सब लोग गुस्सा? यार कोई तो बात करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक और, मैं दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछती हूँ। बच्चों कोई आप पर जब चिल्लाता है, या जब मम्मी पापा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या वो कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, और हम हमें कुछ काम बहुत अच्छा लगता है पर वो एकदम रोक देते हैं, टोक देते हैं, तो हमें कैसा लगता है? अब बताओ सब लोग बोलो कैसा लगता है। हेड नॉट करो, यस या नो, थम्स अप थम्स डाउन, कैसे भी बताओ आप मुझे। कोई हमें जब डांटता है या बहुत बहुत हार्डली बिहेव करता है तो कैसे लगता है आपको? अनंत स्तुति सृष्टि आप बताओ। दीदी बुरा। बुरा लगता है ना, वेरी गुड सृष्टि। और कोई जवाब देना चाहता है? एंजिल आप कुछ बताना चाहोगी? चलो बच्चों आज मुझे आंसर तो सुनना है, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है तो जल्दी से आंसर बोलो, वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपके आंसर के बेस पे ही हम आज की लेसन को सुनेंगे।
बुरा लगता है, वेरी गुड, आराधना ने बोला. एंजल एस्थर आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रोना भी आता है. हाँ वेरी गुड, थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट आंसर. बच्चों मैं आपसे आपसे ना कोई एक इंसिडेंट पूछना चाहती हूँ. कभी ऐसा हुआ है कि आपके मम्मी पापा मतलब बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव किया उन्होंने, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जब उन्होंने एकदम टोक दिया कि नहीं ये नहीं करना है, तो आप क्या शेयर करना चाहोगे हमारे साथ, आपके साथ क्या हुआ है? कोई कुछ बताना चाहेगा? स्पर्श, अनंत, स्तुति, सृष्टि, आराधना, रिया, एंजल, अस्सर, कुछ भी छोटी सी इंसिडेंट एक ही लाइन में. कब आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं, कुछ भी बता दो अगर आपको कुछ पता है तो. जब हम गलती करते हैं. अच्छा कौन सी गलती की आपने? कभी भी कुछ भी कोई बता दो. जब हम झूठ बोलते हैं, जब हमें मम्मी पापा डांटते हैं. अच्छा तो जब आप झूठ बोलते तो डांटते तो आप, जब वो डांटते तो आपको बुरा लगता है? जी नहीं. अच्छा तो क्या लगता है आपको? जी मम्मी पापा सही बात पर डांटते हैं क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए. अच्छा तो आपको फिर गलती का एहसास होता है. ओके थैंक यू. आपका नाम रिया है या आराधना? रिया. रिया, थैंक यू रिया. अच्छा बच्चों तो हम आज के स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम पिछले दिनों में हमने क्या सीखा, हम वो एक और बार देखते हैं. तो बच्चों हमने देखा पिछले दिनों में कि मिस्र के मतलब सारे देश में सूखा मतलब पड़ा हुआ था, उनको खाना नहीं मिल रहा था, बहुत बारिश नहीं हो रही थी. और ये सब किस प्रकार में हो रहा था? ये सब उस तरह हो रहा था जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था. और यूसुफ ने किसको बताया था ये बात? मिस्र के जो फिरौन थे उनको बताया था, है ना? तो बच्चों हम बाद में देखते हैं कि क्या होता है कि फिरौन जो है सब उसके पास जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगते हैं. ऐसे ही तो होता है ना, जब हमें भूख लगती है तो हम भी अपने मम्मी के पास जाते हैं और हम उनसे बोलते हैं नहीं मम्मी आप अभी तो जो भी है किचन में वो जो मुझे ला के दो, ऐसे बोलते हैं ना. तो सब इतने सारे लोग वहां पर भूखे थे तो वो सब ऐसे ही रोटी मांगने लगे. और उसके बाद पता है बच्चों क्या होता है कि यूसुफ राजा पता क्या बोलते हैं, मुझसे रोटी मत मांगो, यूसुफ के पास जाओ. क्यों? क्योंकि यूसुफ उन सबका उन सबका मिनिस्टर था, मतलब उसके हाथ के अंडर था ये सब खाना स्टोर करना. और ये सब काम फिरौन ने किसको सौंपा था? यूसुफ को. ये हमने पिछले दिनों में देखा. तो अब यूसुफ क्या करता है कि वहां के जो भंडारे हैं मतलब जो स्टोर हाउसेस है जहाँ पे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में उन्होंने सिर्फ मतलब खाना स्टोर किया था, अनस्टोर किया था, उन सबको खोल देता है. वाओ यहाँ पे देख रहे हो बच्चों आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब इतना एक वॉटरफॉल है यहाँ पे खाने का, इतना सारा खाना आ रहा है नीचे. और पता है वो लोग क्या करते थे, मिस्र के वो जो फिरौन थे वो सबको खाना मोल में देते थे, मतलब उन्हें खाना खरीदना पड़ता था. अब वो खाना खुद उगा तो नहीं सकते, अब उनकी खेती बाड़ी में उनको खाना मिल नहीं रहा था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, पर अब वो क्या करते थे, खाने को खरीदते थे. अच्छा बच्चों जब सब उस जमाने में ऐसा था कि पूरे पृथ्वी पर अकाल आया हुआ था, ना कि सिर्फ मिस्र में, तो सब लोग यहाँ पर आते थे मिस्र में और यूसुफ के पास आते थे और यहाँ पर क्या लेते थे, अन्न लेते थे, खाना लेते थे. तो हमने पिछली बार ये देखा था ना कि याकूब ने क्या कहा कि अपने बच्चों से बोला कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे, क्योंकि याकूब जा रहता था कानान, वहां पर भी अकाल आया हुआ था. तो वहां पर भी अकाल आया हुआ था, उनके पास थोड़ा सा ही खाना बचा था. जब तो फिर उनके भी छोटे छोटे बच्चे, उनके घर में परिवार के लोग, वो सब क्या करेंगे अगर खाना नहीं मिला तो, उनको भी मतलब खाने के लिए कुछ चाहिए ना. तो याकूब क्या कहते हैं कि याकूब कितने लोगों को भेजते है, पिछले बार निशा दीदी ने बताया था मैंने सुना, कितने कितने भाई जाते हैं यूसुफ के, कितने भाई जाते हैं अन्न लेने के लिए, खाना लेने के लिए? माइक ऑन करके बोलो. 10. वेरी गुड. एंजल यस सर. एस्थर. एस्थर ओके. तो 10 लोग जाते हैं मतलब 10 भाई जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वो वहां पर खड़े हो जाते हैं और वो वहां पर देखते हैं कि यूसुफ जो है वो सबका अधिकारी है और यूसुफ के पास से ही अन्न बेचा जाता था
और देखो यहाँ पे पूरा मार्केट लगाया, ऐसे ही लग रहा है ना जैसे हम लोग भी जाते हैं सब्जी लेने के लिए सब्जी के मार्केट में। और हाँ, तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना सब खरीद रहे हैं और ये सब देखते हैं। और बच्चों जैसे पिछली बार निशा दीदी ने बताया था क्या हो रहा है कि जब उन्होंने देखा यूसुफ को, वो तो नहीं जानते थे कि ये यूसुफ है, क्यों? क्योंकि यूसुफ उनकी तरह नहीं था। देखो बच्चों ये लोग तो मतलब अच्छे से मतलब कपड़े पहने होते, पर मिस्री लोग अलग कपड़े पहनते थे। वो अपने सिर को मतलब पूरा कवर करते थे और उनके बाल और इवन आईब्रोज वो सब हटा देते थे वो, तो उनको तो समझ नहीं आया कि ये यूसुफ है। और वो क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। और इस समय पे क्या हुआ, यूसुफ ने उसको उसका सपने याद आया जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने ऐसे झुकेंगे और दंडवत करेंगे। और बच्चों आज ये सपना सच होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं बच्चों आज से हमारी ये कहानी स्टार्ट होती है, थोड़ा सा हमने पिछले बार भी पढ़ा था बट आज। तो यहाँ पर सडनली यूसुफ कहता है कि तुम तो बेदिए हो, मतलब तुम तो स्पाइस हो, तुम बुरे इंसान हो, तुम हमारे देश का जो है मतलब हमारे देश में कितना बुरा हाल है, हमारा दुर्दशा क्या है, तुम ये देखने आए हो। तो ये लोग तो कहते हैं अब देखो बच्चों यहाँ पर यूसुफ तो है जो बहुत बड़ा अधिकारी है, उसके हाथ में आप ये अंगूठी देख रहे हो, अगर इसमें इसका जो मोहर है ना, अगर वो उसे लगा देता है किसी मतलब ऑर्डर पे तो वो पास हो जाता है और मतलब उन्हें वो कोई भी उसे टाल नहीं सकता। तो इतना पावरफुल था वहां पर यूसुफ। और यहाँ पर इतना पावरफुल इंसान एक मिनिस्टर मतलब वहां पर वो जो आम इंसान थे यूसुफ के भाई, उनको कह रहा है कि तुम बेदिए हो, मतलब तो ये तो उनके लिए बहुत बुरा हुआ। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि अगर वहां के इतने बड़े अधिकारी उनको बेदिया बता रहे हैं तो अब तो कोई ने नहीं बचा सकता। तो आगे देखते हैं हम कि ये जो यूसुफ के भाई है, जैसा हमने पिछले बार देखा था कि वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं मैं बेदिया हम बेदिया नहीं है, हम तो एक ही पुरुष के 10 बेटे हैं और हम कनान से आए हैं और हमारा एक छोटा भाई भी है, वो हमारे हमने अपने पिता के पास उसे छोड़ दिया। पर यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ फिर भी नहीं मानता, यूसुफ को फिर भी मतलब कहते हैं कि नहीं नहीं फिरौन के जीवन की शपथ तुम्हें मैं पहले परखूंगा, मतलब मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। बच्चों पिछले बार भी हमने देखा था ना कि यूसुफ तो पहले से जानता था कि उसके उसके भाई तो ये उसके भाई है, ये कोई बेदी ये कोई स्पाइस नहीं है और मतलब ये उनका बुरा नहीं चाहते, ये मिस्र का कुछ बुरा करने नहीं आए। पर फिर भी यहाँ पर मतलब यूसुफ क्यों इतना सता रहा है? तो बच्चों पिछले बार आपने आंसर सुना था ना, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि निशा दीदी ने क्या आंसर बताया था इसका? कोई भी, कोई बात नहीं बच्चों, सही या गलत कोई भी आंसर करो जो आपको आता है। हाँ वेरी गुड, स्तुति बताओ। अनंत आप कुछ बोलना चाहते हो? चलो ठीक है। तो पिछली बार दीदी ने बताया था ना कि वो उनको परख रहा था, तो उसी के आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो कह रहा है कि तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। अब ये टेस्ट क्या है? वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आ जाए तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। तो वो कहते हैं कि तुम यहीं पर रहोगे और मिस्र में तुम्हें जेल में डाला जाएगा तब जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाता। तो ये लोग तो और इनको क्या किया जाता है, इनको 3 दिन तक बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अरे अब तो कुछ ज्यादा हो रहा है ना, आप सबको भी यही लगता है क्या? यूसुफ ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है ना? यस या नो बोलो, हेड नॉट करके बोल दो बच्चों, या तो आप चैट पे भी बता सकते हो। अच्छा तो फिर आपको माइक ऑन करके ही बोलना पड़ेगा। बेटा बोलो, आपको क्या लगता है यहाँ पे यूसुफ गलत कर रहा है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहा है? स्पर्श मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ बच्चों। बोलो बच्चों, एस्ट्रो एंजल अनंत स्तुति सृष्टि, आपको क्या लगता है यहाँ पे? yes. अच्छा क्यों लगता है आपको ऐसे, क्यों क्यों यूसुफ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है? अच्छा
तो यहाँ पे मुझे भी यही लगा बच्चों जब मैं पढ़ रही थी ना कि ऐसा क्यों कर रहा है, इतना बुरा बर्ताव कर रहा है कि उसके जो 10 के 10 भाई है उन सबको उसने जेल में डाल दिया, और 3 दिन के बाद वो पता है वो क्या सोचता है और उनके पास आके क्या कहता है कि तुम लोग सब एक काम करो ताकि तुम सब जीवित रहो। इसका मतलब आप जानते हो बच्चों, उनको लगा मतलब यूसुफ जो है उस यूसुफ ने अपने भाइयों को इतनी बुरी पनिशमेंट दी थी कि वो इवन मर भी सकते थे, वो उनको मार भी सकता था, इतना इतना हार्ड पनिशमेंट दिया। और उसके बाद यूसुफ मारा नहीं उनको, पर उतने एक्सटेंट तक मतलब वो गए। और उसके बाद वो कहता है कि क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मतलब मैं परमेश्वर से डरता हूँ, तो अब तुम अगर तुम सच में जो तुम कह रहे हो कि अगर वो सच है तो तुम ये करो कि कोई एक यहाँ पर रहेगा इस बंदी गृह में, इस जेल में कोई एक भाई रहेगा, और तुम सब 9 के 9 जो है तुम अपने घर जाओगे, और तुम्हारे घर वाले भूखे होंगे ना बच्चों। आज तो हमारे पास बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, बट उस जमाने में पता है कैसे सवारी करते थे लोग, एनिमल ने गधे पे कैमल पे ऐसे मतलब वो सवारी करते थे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, कभी कभी तो कुछ महीने भी लग जाते थे। आप जितना देर आपको जितना दूर जाना है तो उतना देर लगता है। तो वो कहता है कि अब तुम अन्न लेके जाओ, तुम्हारे घर वाले भूखे होंगे, और उसके बाद जब तुम वापस आओगे तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। अगर तुम अपने छोटे भाई को भी साथ लाओगे तो तब मुझे समझ में आएगा कि तुम्हारे बातें सच्ची है, और अगर नहीं तो अगर तुम लाए तो तुम बच जाओगे और मैं तुम्हें नहीं मार डालूंगा, बट अगर तुम नहीं लाए तो फिर तुम्हें मैं मार डालूंगा। अरे कितना खतरनाक पनिशमेंट है ना, किसी को कितना बुरा लगेगा बच्चों, अगर आप इस परिस्थिति में होते तो आपको कितना बुरा लगता ना। स्पर्श आपको कैसे लगता अगर आप इन भाइयों के इस बंदीगृह में इन भाइयों के साथ रहते तो? स्पर्श ये बहुत बुरा लगता। क्यों क्यों स्पर्श? अच्छा ठीक है, तो आंसर बताया आपने कुछ एक्सटेंट तक। तो उन्हें क्या किया, ये बोलकर उन्हें वापस बंदी गृह में डाल दिया। तो यहाँ पर पता है अब ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं सारे भाई, और बहुत परेशानी में होके वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उन्होंने पता है क्या बात की कि अब इनको पछतावा हो रहा है जो इन्होंने बहुत सारे साल पहले किए, इनफैक्ट 13 ईयर्स पहले, 13 साल पहले उन्होंने जो गलती की है इतने सालों के बाद उनको उसका पछतावा हो रहा है। पता है बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। तो अब वो अपने आप में मतलब बात कर रहे हैं। पता है बच्चों क्या बात कर रहे हैं कि यूसुफ ने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, मतलब बहुत ज्यादा, हम किसी को बहुत ज्यादा प्लीज 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 कहते हैं ना, ऐसे गिड़गिड़ा कर मतलब यूसुफ ने विनती की, पर तब भी हमने उसको नहीं देखा। और पता है बच्चों आगे और क्या कहते हैं, और हमने उसके जीवन को और कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है और हमने उसका सुना ही नहीं। और वो अब समझ रहे हैं कि अजरेरे आज हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। बच्चों आप एक बात बताओ, क्या ये लोग सच में स्पाइस है, क्या ये लोग सच में मतलब इन्होंने ऐसा कुछ या मिस्र का बुरा चाहा है? नहीं ना, इनकी तो कोई गलती नहीं है ना, पर फिर भी इनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये बहुत बड़े दुश्मन है मिस्र के, और इनको मतलब इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको जेल में नहीं डालना चाहिए। तो जब ये अन्याय से मतलब ऐसे सह रहे हैं तो अब इनको लग रहा है कि अरे हमने अपने भाई के साथ कितना बुरा किया। और फिर उसके बाद पता है रूबेन तो ये भी कहता है कि हाँ मैंने तो तुम्हें ये भी बोला था कि कि उस लड़के का मतलब यूसुफ का अपराधी मत बनो, उसे नहीं ऐसे बेच दो या मार डालो, पर तुमने सुना ही नहीं। तो जब ये सब आपस में ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो और बहुत परेशान हो रहे थे, आप देख रहे हो बच्चों इनके फेसेस को कितना परेशान हो रहा है। हाँ, पर अब देखो हाँ अब पता है बच्चों यहाँ पे क्या बोलता है कि उसके लहू का पलटा दिया जाता है, उसका जो हमने खून बहाया, इनको लग रहा है कि अब तो वो मर गया होगा, तो वो कहते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि उसका जो हमने खून बहाया है उसको वो शायद अभी मर गया हुआ है, और उसका जो खून बहा है ना उसका पनिशमेंट अब हमको मिल रहा है। और पता है बच्चों यहाँ पर क्या है कि जेल में ये सब लोग अपने आसपास अपने आप से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर छुप छुप के कौन सुन रहा है,
यूसुफ सुन रहा है। बच्चों वो लोग नहीं जानते थे कि ये यूसुफ है, क्यों पता है? क्योंकि वहां पर मिस्र के देश में अलग लैंग्वेज बात किया जाता था और ये लोग जो है ये कानान में रहते थे और ये हिब्री बात कर लैंग्वेज में बात करते थे। और जो यूसुफ है वो एक ट्रांसलेटर के थ्रू इनसे बात करता था। ट्रांसलेटर समझते हो बच्चों? अगर मुझे हिंदी नहीं आता है और मैं चाहती हूँ मैं आपसे बात करना, तो मैं क्या करूंगी, मैं ना इंग्लिश में बोलूंगी अगर मुझे इंग्लिश आता है, और मैं किसी किसी से बोलूंगी, लाइक मैं शायद फिबे दीदी सिस्टर से पूछूं कि आप मेरी ट्रांसलेट कर दीजिए, आप हिंदी में बोलिए, तो वो मेरी इंग्लिश में बात सुनकर वो आपको हिंदी में बताएंगे, है ना। तो ऐसे ही वो उसको हिंदी में कहते हैं दूर अनुवादक। तो अनुवादक के थ्रू वो बात करते थे जो दूसरे लैंग्वेज में बात करते थे। तो अब ये सब देख के यूसुफ को बहुत बुरा लगा और वो अलग आकर रोने लगा। अरे ये यूसुफ ही तो था जिसने इतना कठिन पनिशमेंट दिया था उनके भाइयों को कि उन्होंने तो मतलब एकदम मार डालने की मतलब ये भी बात भी बोला था कि अगर तुम ये सब नहीं करते जो मैं कह रहा हूँ तो मैं तुम्हें मार भी डालूंगा। तो ऐसे परिस्थिति में आकर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ फिर से रो रहा है। अब यहाँ पे क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे बुरा लग रहा है कि अरे उसके भाई अब पश्चाताप कर रहे हैं। अब उसको उसके अपने भाइयों की परिस्थिति समझ में आ रही है, तो पहले नहीं समझ में आ रही थी कि तो फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा बच्चों अब तो ऐसा लगता कि अरे चलो अब तो यूसुफ भी रोने लगा तो शायद अब ये इसका दिल पिघल जाएगा, शायद ये अपने भाइयों को मतलब छोड़ देगा। पर पता है क्या करता है, अब ये लोग आते हैं ये जो जेल में है वहां पर आते हैं और पता है एक भाई को ले जाते हैं और उसका नाम है सिमोन। सिमोन को बंधुआ बनाकर ले जाते हैं और पता है और सबको छोड़ देते हैं। बच्चों आपको शर्त याद है ना, यहाँ पर यूसुफ ने क्या क्या बोला था कि तुम में से कोई एक मेरे पास बंधुआ रहेगा और जब तक तुम अपने छोटे भाई को नहीं लाते हो ना तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम नहीं लाओगे तो ये मार डाल दिया जाएगा। तो या और सबको ये छोड़ देते हैं। तो एक तो दुख इनके पास ये है कि अरे हमारा एक भाई तो यहीं पर है और अगर उन्होंने इसको मार दिया तो क्या होगा। पर पता है बच्चों फिर भी इनको थोड़ा खुशी हो रही होगी कि चलो ये कुछ लोग तो बाहर आ पाए और ये लोग अपने घर के लिए खाना भी ले जा पा रहे हैं। तो बच्चों ये थी आज की कहानी और हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है यूसुफ, मतलब क्या ये लोग वापस आते हैं अपने एक भाई जो सिमोन है इसको छुड़ाने के लिए, तो हम लोग ये आगे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने सबसे शुरू में पूछा था आपसे क्वेश्चन कि यूसुफ इतने कठिनाई से मतलब क्यों पेश आ रहा है, यूसुफ की वजह से ही तो इसके भाई मतलब इतने कठिनाइयां झेल रहे हैं तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे आज हमने क्या सीखा इसमें। तो बच्चों तो पहला पॉइंट है जो हमने सीखा कि यूसुफ अपने भाइयों के साथ बहुत कठिनाई नॉर्मली नहीं बहुत सिवियर तरीके से मतलब सिवियरली हार्ड तरीके से मतलब वो व्यवहार कर रहा था। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि वो अपने सगे भाई बेन्यामिन को देखना चाहता था। बच्चों अगर ये इनके साथ इतने हार्डली नहीं बिहेव करता ना और इनको जान लेने की धमकी नहीं देता ना तो वो चले जाते और वो कभी वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके भाइयों ने तो बहुत बुरा किया था ना यूसुफ के साथ और ऐसा किया था ना कि अगर वो लोग उनको थोड़ा सा भी अगर हिंट लग जाता कि ये यूसुफ है तो वो वहां से भाग जाते अगर यूसुफ अच्छी तरह से पेश आता। और अगर हम अपने भाई बहन अगर हमारे भाई बहन स्कूल आते तो हम लोग कैसे बिहेव करते? बहुत अच्छे से बिहेव करते ना, अगर हमारे पास चॉकलेट है या कुछ है, अगर कोई हमारे घर पे आता है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स या उनको हम लोग सारे खिलौने दिखाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो अगर यहाँ पे यूसुफ अगर उनके साथ ऐसे बिहेव करने लगता बहुत अच्छे से तो उनको अगर थोड़ा सा भी उनको हिंट मिल गया कि ये तो यूसुफ है, अरे यार इसको तो हमने मार दिया था, तो वो तो तभी भाग जाते और वो कभी वापस नहीं आते और वो अपने अपने पिताजी को भी नहीं बताते। तो इस वजह से यहाँ पे देख रहे हो बच्चों आप यहाँ पर कितने बुद्धिमानी से यूसुफ बिहेव कर रहा है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि वो यूसुफ ने इनको जेल में डाल दिया, बहुत बुरा किया है ना। पर पता है बच्चों और यहाँ पे सिमोन को भी हम देखते हैं कि अपने पास रख लिया। इतना हार्ड उसने इसलिए बिहेव किया क्योंकि वो जानते थे कि सिमोन को तो कैसे भी कैसे हमें छुड़ाना है, अगर नहीं छुड़ाया तो वो इसको मार डालेंगे। अगर तो
जब ऐसी सिचुएशन आए तो तब वो बिन्यामीन को मिस्र लाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यूसुफ ये सब जानता था कि इतना आसान नहीं है बिन्यामीन को मिस्र में लाना, क्योंकि वो छोटा है और उसके पिताजी को भी वो बहुत पसंद है। तो वो देखो बच्चों कितनी बुद्धिमानी के साथ वो मतलब यहाँ बुद्धिमानी के साथ यहाँ पर डील कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद वो कभी भी मतलब अपने भाई को नहीं देख पाता। और बिन्यामिन को यहाँ पर लाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बिन्यामिन यहाँ नहीं आएगा तो इसके जो 10 भाइयों को अगर बता देगा कि अरे मैं ही यूसुफ हूँ, तो वो तो डर जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे और वो कभी मतलब यूसुफ के पास नहीं आएंगे। बच्चों आप और मैं तो जानते हैं ना ये सीक्रेट कि यूसुफ अपने भाइयों को माफ कर चुका है, पर उसके भाई ये बात नहीं जानते थे। अगर वो जानते भी थे तो वो इस बात पर भरोसा नहीं रखते थे। तो वो लोग समझ वो ये समझते थे कि यूसुफ अगर वो यूसुफ बचा हुआ है और हमने उसके साथ इतना बुरा किया, अब तो वो एक बड़ा अधिकारी बन गया है, पूरे मिस्र में एक अधिकारी बन गया। अगर वो चाहे तो वो एक मिनट में हमें नाश कर सकता है, तो अब वो कभी वापस नहीं आते। इसलिए बच्चों यहाँ पर कितने कितने बुद्धिमानी के साथ वो डील कर रहा है ना। बच्चों याकूब 1:5 में प्रभु कहते हैं कि अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो आप मुझसे मांगो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो बच्चों आज से ना हम सब एक प्रेयर करेंगे कि इस प्रॉमिस को हम जरूर क्लेम करें कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दो, मेरे पास बुद्धि की कमी है। ये हमारे पढ़ाई में हो सकती है या हमारे जो दिनचर्या के जो काम है उसमें हो सकता है, या हमें जब दूसरे लोगों के साथ डील करना होता है तब हो सकता है। तो हम जरूर प्रभु से मांगे कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दो। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बड़ा मास्टर प्लान था यूसुफ का, ताकि वो अपने भाई को यहाँ ला सके। और तब मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि तब पता चलता है कि अरे ये तो यूसुफ है। तो और बच्चों हम लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इन सबके साथ बुरा हुआ, हाँ यूसुफ ने तो किया, पर बच्चों एक और रीजन है इसके पीछे। जैसे मतलब इन्होंने यूसुफ के साथ बहुत, यूसुफ तो मतलब उसने कोई गलत काम नहीं किया था कि उन्होंने इसके इनके भाइयों ने उसे गड्ढे में गिरा दिया, पर फिर भी उन्होंने मतलब इतना बुरा व्यवहार किया ना। पर जो उन्होंने 13 साल पहले किया था वही अब इनके साथ हो रहा है। इन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया था, पर इनके साथ भी अभी इतना बुरा हो रहा है कि इनको भी मतलब ऐसे पूरे एक कंट्री के लेवल पे मतलब इनको एक नेशनल टेररिस्ट की तरह देखा जा रहा था, एक नेशनल स्पाइस की तरह देखा जा रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो छोटी सी गलती मतलब एक इंसान के पीछे जो इन्होंने गलत काम किया था यूसुफ के पीछे, अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ऊपर फिर आ रही है। तो बच्चों गलतियों 6:7 बाइबल कहती है कि आप जो भी बोते हो ना वही आप काटोगे। आप अगर पाप करोगे तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, मतलब वो आप जो गलत काम करते हो वो सेम आपके साथ होगा। तो बच्चों आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी और हमारे जो सारे पाप जो हमने किए हैं। बच्चों ये तो बात एकदम सच है कि जो भी हमने पाप किए हैं उसकी भरपाई हमें करनी है, क्योंकि दिस इज द लॉ, मतलब इस ये दुनिया जिस चीज पे चलती है ना वो ये है कि ये सच है कि हम लोग जो भी बोते हैं ना वो हमें काटना पड़ेगा, बाइबल भी ये कहती है। तो बच्चों जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना हार्ट देते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपना पाप को मान लेते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में बहुत गलत किया है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए थी, पर फिर भी मैंने नहीं सुना, तब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम बोलते हैं तो प्रभु हमारे हमें अपने लहू से धोते हैं और शुद्ध कर देते हैं। बच्चों बाइबल ये कहती है कि ना प्रभु अपने पीठ के पीछे हमारे पाप को फेंक देते हैं और कभी नहीं देखते, और प्रभु हमारे पाप को एकदम ऐसे मिटा देते हैं कि वो कभी है ही नहीं। तो जब पाप ही नहीं रहा तो हमें पाप की भरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर आपने आज तक उद्धार नहीं पाया है, आपने आज तक अगर ये प्रेयर नहीं किया है कि प्रभु यीशु मसीह आप प्लीज, मैंने सच में यूसुफ के भाइयों को देख रहे हो आप, 13 ईयर्स के बाद 13 साल के बाद इनको मतलब उनके पाप की भरपाई करनी पड़ रही है। तो बच्चों अगर आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की माफी नहीं मांगी है तो आप प्लीज मांग लो, क्योंकि आज नहीं तो कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पाप माफ कर दिए जाए। अगर आपने माफी नहीं मांगी
तो आपको आपको आपका पाप का जो प्रतिफल है वो जरूर मिलेगा। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग जब भी आपको टाइम मिले या आप अभी भी प्रेयर कर सकते हो, आप छोटी सी प्रेयर करो अपने मन में कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों को माफ कर दीजिए, अपने लहू से मेरे हार्ट को धो के शुद्ध कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना आप अगर आप करोगे तो आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी और ये है आपका मेमोरी वर्स वचन संहिता 103 का 8। बच्चों हम ना इस कहानी में यूसुफ में प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं। प्रभु बहुत दयालु है, वो बहुत अनुग्रह करते हैं हमारे हम जो काम करते हैं ना उनको गुस्सा तो आता है बट वो बहुत धीरज से मतलब सह लेते हैं। वो देखता है कि अरे इसको एक और मौका दिया जाए एक और मौका दिया जाए। पर कभी कभी ऐसे होता है ना बच्चों कि प्रभु को भी ना बहुत गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा दिखाते हैं वो हम पर आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका जो गुस्सा है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। बाइबल कहती है वो विलंब से कोप करने वाले, मतलब इंग्लिश में लिखा है स्लो टू एंगर, उनका गुस्सा बहुत स्लो होता है और वो बहुत जल्दी मतलब अपने गुस्से से हट जाते हैं जब हम उनसे माफी मांग लेते हैं। हमारे मम्मी पापा भी ऐसे होते हैं ना, वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब हम गलत काम करते हैं बट जब हम उसको रियलाइज करते हैं और फिर उनसे माफी मांगते हैं कि सॉरी मम्मा मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा तो वो क्या करते हैं माफ कर देते हैं ना। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज अपने अपने माइक को म्यूट रखिए और आप मेरे पीछे इस मेमोरी वर्स को बोलिए। ओके, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। एक और बार बच्चों, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, अति करुणामय है। भजन संहिता, भजन संहिता 103 का 8, 130 का 8, 103 का 8। अच्छा बच्चों मैं आपके लिए एक छोटा सा वर्कशीट रखा है और ये छोटा सा वर्कशीट है आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स है बट ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आपका बाइबल होना चाहिए। तो क्या मुझे आप दिखा सकते हो कि आपके पास बाइबल है या नहीं? क्या आप मुझे दिखा सकते हो आपके पास बाइबल है या नहीं? अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से जाके लाइए। हाँ वेरी गुड, अनंत सुधीर सृष्टि के पास है। और किस किस के पास है बाइबल? जल्दी जल्दी बच्चों। अच्छा तो बच्चों आप जल्दी वेरी गुड, एंजेलस है। ठीक है तो स्पर्श आप भी अपना बाइबल आके बैठ जाओ। अच्छा तो बच्चों मैं आपको समझा देती हूँ कि हम आज क्या करने वाले हैं। हम एक केस स्टडी करने वाले हैं। केस स्टडी जानते हो बच्चों क्या होता है? केस स्टडी वो होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि आज हमने जो सीखा वो कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, क्या वो सच है। अच्छा बच्चों आज हमने क्या सीखा? एक शॉर्ट सेंटेंस में अगर मैं बताऊं तो आज हमने यही सीखा कि जब हम गलत काम करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होते हैं, मतलब परमेश्वर को गुस्सा आता है। तो पाप किसको लीड करता है? सजा को। पर उसके बाद जब हम माफी मांग लेते हैं तो प्रभु हमें उस भारी दंड से छुड़ाते भी हैं। तो ये तीन चीजें पाप, सजा और छुटकारा हम ये देखेंगे बाइबल से। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा न्यायियों उसका दूसरा अध्याय। बच्चों आपको मिल गया है तो ओके, अगर नहीं मिला तो आप प्लीज इंडेक्स में जाकर देखिए कि न्यायियों कहाँ पर है। ओके वेरी गुड, अगर मिल गया तो आप न्यायियों उसका 2 निकाल लीजिए। स्पर्श आप हो, एंजल एस्टर, आराधना रिया, ओके बच्चों। तो बच्चों मिल गया है? ओके वेरी गुड। तो बच्चों आपका आज का टास्क है कि आप यहाँ पर जो रेफरेंस दिया है ना हवाला न्यायियों 2:11-13 आप ये पढ़ोगे और इसमें इसराइल ने जो पाप किया है ना वो सब लिखा है। तो आप मुझे वो सब लिख के उसके बाद आप मुझे पढ़ के बताओगे। सिस्टर वी हैव 15 मिनट्स टाइम राइट?
यस टीना यू कंटिन्यू। तो बच्चों जल्दी से आप अपने नोटबुक में लिखिए और आप मुझे बताएंगे कि इसराइल ने क्या क्या पाप किए यहाँ पर। आज हम इस केस स्टडी में देखेंगे कि जब इसराइल ने पाप किया तो उनको क्या सजा मिली, फिर इसके बाद उनका छुटकारा कैसे हुआ। तो 11 से लेके 13 में बच्चों आपको कुछ मिला? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो आप प्लीज बता दीजिए। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, आपको बस ये वर्सेस पढ़ने हैं और इसमें जो भी लिखा है ना आपको वो अपने नोटबुक में लिखना है। बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना, है ना। पहले पहले बताओ, सबको मिल गया ना? आपने बाइबल ने वो खोल दिया जो हवाला दिया गया है न्यायियों 2:11-13, सबको मिला कि नहीं मिला? दीदी मिल गया। हाँ गुड। अच्छा तो अब उसमें आपको ये देखना है उसको पढ़ के कि उन्होंने क्या पाप किया, मतलब क्या गलत किया, क्या लिखा है वहां पे। ओके बच्चों, ओके तो मैं आपको छोटा सा हिंट देती हूँ। ओके मैं 11th वर्स में जो 11 पद है ना उसमें जो जो मतलब पाप किया इसराइल ने वो मैं बताती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब प्लीज अपने अपने बाइबल में देखना। ओके तो 11th वर्स में उन्होंने क्या क्या गलत किया है कि सबसे पहला काम उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, ये लिखा है ना, यहोवा की, इसलिए इसराइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। पहला काम उन्होंने क्या किया ये लिख लो आप अपने नोटबुक में कि उन्होंने ये जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था उन्होंने ये किया, तो ये उनका पहला पाप है। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। किसकी उपासना करने लगे, किसकी पूजा करने लगे? बाल देवता की। तो आप इसको शॉर्ट में अपने नोटबुक में लिख सकते हो कि बाल देवता की पूजा की, या जो बाइबल में लिखा है एग्जैक्ट आप वैसे लिख सकते हो। मिला बच्चों आपको, समझ में आया? हाँ तो लिखो अब, मैं देख रही हूँ आप ये 2 points तो लिखो, अब ये 2 पाप जो इसराइल के आप ये तो अपने नोटबुक में लिख लो। बच्चों आपको अभी लिखना है ना कॉपी में अपनी अपनी? हाँ बच्चों बाद में हम नहीं करेंगे, यहीं पे कर देंगे और हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। और ये जो फिर तीसरा पाप है मिलता है मैं 12th वर्स में 12 पद में कि वो परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगे। तीसरा काम क्या, गलत काम क्या किया उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह को मतलब परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा बच्चों आप ऐसा करो, मैं आपको बताती जाती हूँ, आप अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लो और फिर आप लिख लेना। ओके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ। ओके बच्चों ये सही रहेगा, थम्स अप या थम्स डाउन दिखा दो अगर ये आइडिया सही है तो। मैं आपको बताती हूँ, आप अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लोगे पेंसिल से? बच्चों कुछ बताओ हाँ या नहीं? अनंत आपको आ रहा है क्या, आप लिख रहे हो क्या? यस दीदी। आपको समझ में आ गया? एंजल सर आपको समझ में आ गया क्या आप लिख रहे हो? नहीं आया तो मैं फिर से बताऊं? बोलो बोलो। यस दीदी। अच्छा ठीक है, इस बार आप आराधना रिया और स्पर्श आप भी अपने अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लो और फिर लिख लेना। तो पहला पाप उन्होंने किया है 11th वर्स में लिखा है कि वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, फर्स्ट लाइन में है। सेकंड बुराई उन्होंने ये की है कि वो बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट है
ट्वेल्थ वर्स के सेकेंड लाइन में है, वो प्रभु को त्याग कर पराई देवता की उपासना करने लगे। एंड नेक्स्ट है 12 पद के लास्ट लाइन में लिखा, हाँ हाँ 12 पद के सेकेंड लाइन में दिखेगा आपको कि त्याग कर पराए देवताओं की उपासना करने लगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा 12 पद के लास्ट लाइन में कि यहोवा को रिस दिलाई, यहोवा को रिस दिलाई। आप अंडरलाइन कर लो बाइबल में ही, यहोवा को रिस दिलाई। और 13 वाला पूरा लिखा है कि उन्होंने क्या पाप किया है। 13th वर्स के पूरे वर्स में यही लिखा है कि वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अश्रय देवियों की उपासना करने लगे। ये था इसराइल का पाप। बच्चों मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वाला भी आंसर बता देती हूँ, नेक्स्ट टू के आंसर, और आप मुझे लिख के भेजना ओके। बट नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि आपसे ही लिखवाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ओके। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट आंसर पे आप लिख लो, मैं बता रही हूँ नेक्स्ट आंसर कि इनको इसका सजा क्या मिली, इसकी सजा क्या मिली इनको। ये हमें दिखता है न्यायों। बच्चों अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मुझे तभी रोक के आप फिर से पूछ लेना ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो ठीक है, तभी आप मुझे रोक के पूछ लेना। नेक्स्ट आंसर हमें मिलता है न्यायों 2:14-15 में। जल्दी से आ जाओ बच्चों 14 और 15 पद पर। हाँ सबसे पहला इनको सजा मिला कि हम लोग देखते हैं कि जब यहोवा को इनके ऊपर मतलब गुस्सा आया, यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का कोप इसराइलों पर भड़क उठा, तो उन्होंने क्या किया, उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया। ये फर्स्ट पनिशमेंट था उनका, क्या किया उन्होंने, उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। पहला पनिशमेंट क्या मिला कि लुटेरे इनको लूटने लगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड पनिशमेंट क्या मिला इनको, उसने उनके चारों ओर शत्रुओं को के अधीन कर दिया। इनको क्या कर दिया, शत्रुओं के अधीन कर दिया, उनके चारों ओर क्या कर दिया, परमेश्वर ने इनके शत्रुओं के अधीन कर दिया। ये भी हमको 14th वर्स में मिलता है। और थर्ड पनिशमेंट इनको क्या मिला कि वे फिर उसी वर्स में है बच्चों 14th वर्स में, वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके, वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। ये है इनका थर्ड पनिशमेंट। एंड इनका फोर्थ पनिशमेंट मिलता है हमें 15th वर्स में। अंडरलाइन कर लो बच्चों, बाइबल में अंडरलाइन कर लो, इनका फोर्थ पनिशमेंट है जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। कितना डेंजरस है ना बच्चों, कि वो जहां कहीं भी बाहर जाते थे परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई करता था। अगर परमेश्वर अगर हमारी हमारी मतलब हानि करने लगी, बुराई करने लगे, तो कितना डेंजरस है ना। हाँ बच्चों आप लोग लिख रहे हो ना, मुझे आपको ये लिख आप प्लीज मुझे लिख के भेजना। और फिर फिफ्थ पनिशमेंट है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर बड़े उन्हें बड़े संकट में डाल दिया। लास्ट लाइन में लिखा है ये 15th वर्स के लास्ट लाइन में। बच्चों आपका अगर ये पनिशमेंट वाला आंसर हो गया है तो आप प्लीज मुझे बताना, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। ओके बच्चों क्या मैं नेक्स्ट आंसर बताऊं? हाँ दीदी। ओके थैंक यू स्पर्श। तो नेक्स्ट आंसर मिलता है हमें न्यायों का दूसरा अध्याय का 16 और 18 में, 18th वर्स में। तो 16 में आप देखो,
इसमें ये है छुटकारा। तो पहला छुटकारा हम देखते हैं कि किस तरह दिया परमेश्वर ने, कि यहोवा ने उनके लिए न्याय ठहराए जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। तो ये जो न्याय थे वो इसराइलियों को उनके लूटने वालों से छुड़ाते थे। तो ये 16th वर्स पूरा जो है आपका ये पहला छुटकारा हो गया। नेक्स्ट 18th वर्स हम देखते हैं कि जब जब यहोवा उनके लिए आप थोड़ा आगे आइए, जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता तब तब वो उसी न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। वो न्याय क्या करता था, पहला उन्हें उनके लुटोरों से छुड़ाता था और दूसरा उन्हें अपने उनके शत्रुओं से छुड़ाता था। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो, अब उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। ओके बच्चों, तो ये दो तरह से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। तो बच्चों ये है हमारा, हाँ हाँ छुटकारे वाला बताना एक बार। 16th वर्स में है, 16th वर्स में है, लास्ट में देखना आप कि न्याय उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। ये जो न्याय थे उनको उनके लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। और सेकेंड छुटकारा प्रभु देता था 18th वर्स में लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ बच्चों मैं, कि और जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता था तब तब वो उस न्याय के संग रहकर उनके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। पहला लुटेरे के हाथों से छुड़ाता था और सेकंड शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। तो बच्चों ये है आपका वर्कशीट और मैं चाहती हूँ कि आप सबके सब मुझे वर्कशीट सेंड करो। ओके ओके दीदी, ओके थैंक यू। तो आप एक छोटी सी प्रेयर करके संडे स्कूल को फिनिश कर दे। ओके बच्चों, सिस्टर फिबे ओके, मुझे तो आज का लेसन बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? आनंद स्तुति सृष्टि समझ में आया कुछ? आराधना रिया एस्थर एंजल स्पर्श दीदी, हाँ आया समझ आपको? हाँ दीदी। ओके गुड, वेरी गुड। तो हाँ, सजा तो हम लोगों को मिलेगी, पनिशमेंट तो मिलती है ना, हम गलती करते हैं टीचर से, लेकिन अगर हम पश्चाताप करें, सॉरी बोलेंगे गॉड को और उस चीज को दोबारा ना करें, तो फिर प्रभु हमें माफ करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सभी आंखें बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ठीक, कुछ नहीं सोचना है, बस हमने आज प्रभु ने आपसे क्या बात की, आपने क्या सीखा, उस चीज को आप सोचो जब हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, और ठीक है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने दया की प्रभु की, हम आपके वचनों के द्वारा सीख पाते हैं कि सच में प्रभु आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, आप जल्दी गुस्सा नहीं करते, हमें सहते हैं, दयालु हैं, करुणामयी हैं। और प्रभु हम जब बहुत गंदे काम करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, डरते हैं और प्रभु जी हठी हो जाते हैं, फिर भी आपसे दूर जाते हैं, फिर भी आप हमसे उतना ही प्रेम रखते हैं, आपका प्यार कभी कम नहीं होता है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, यूसुफ के चरित्र के द्वारा हम आपके प्रेम को देख पाते हैं प्रभु जी, कि आप हमें अपने और नज़दीक लेके आना चाहते हैं हमेशा प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, पश्चातापी हृदय भी आप देते हैं, विश्वास आप देते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन कहानी के द्वारा भी प्रभु जी आप क्रूस का गहरा काम इन बच्चों के जीवन में करें, कि प्रभु वो प्रभु आपसे माफ़ी मांग सकें और दूसरों को माफ़ी दे भी सकें प्रभु जी, जब स्कूल्स में रहते हैं, अपने अपनी क्लासेस में और अपने आस पड़ोस में, अपने घर में प्रभु जी, ये सच्चे गवाह ठहरे आपके, इनके जीवन को प्रभु आप बदल दें, आपकी आनंद और शांति आप दें प्रभु जी।
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी की प्रभु ओबीडियंट अपने माता पिता के ओबीडियंट बने रहे प्रभु जी, और जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उनकी भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा कर सके प्रभु जो करते। धन्यवाद देती हूँ टीना के लिए भी, और प्रभु आप उसे भी स्वर्गीय आशीष दें, और बाकी सभाओं के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। स्पेशली प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन्फेक्शन से हम सबों को बचा के रखें। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आप दया कीजिए प्रभु जी, एक बार फिर से जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं आप उनकी मदद कीजिए, बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु जी, और प्रभु हम आपको महिमा दे सके प्रभु जी। और जो वर्कशीट दिया गया है, मेमोरी वर्स दिया गया है, उसको सिंसेयरली बच्चे कर सके, मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन।